नमस्कार दोस्तों आ, हम अभी आए हैं विल्सन चंप्रमारी जी जो तीन बार एमएलए रह चुके हैं उनके घर पे और धन्यवाद देते हैं उनको भी कि हमारे साथ कॉपरेट करने का समय हमें हमारे साथ निकाला है आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोग आलोचना करने वाले हैं आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विल्सन चंप्रमारी जी एक बोडो संप्रदाय से आते हैं और जो आलोचना आज हम लोग करेंगे बोडो संप्रदायों के ऊपर आलोचना करेंगे ये आलोचना हम मजबूरी में हमें करना पड़ रहा है क्योंकि भेदी हमारे समाज में आ चुके हैं चलिए हम शुरुआत करते हैं विल्सन जी बोडो संप्रदायों को अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में यानी वेस्ट बंगाल में हमें ये सोर्स के मुताबिक ये पता चला है कि बोडो डेवलपमेंट बोर्ड मिल चुका है आप लोगों को और आप लोगों के ही समाज में बोडो यानी बोडो समाज में कुछ लोग कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी गए थे बोडो डेवलपमेंट बोर्ड को लाने के लिए और उसके साथ साथ धन्यवाद देने के लिए जिन्होंने बोडो डेवलपमेंट बोर्ड दिया है आप क्या कहेंगे आपको मिल चुका होगा अभी आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले दिनों में किस तरह के डेवलपमेंट आप लोग करेंगे बोडो डेवलपमेंट बोर्ड आप लोगों को मिलने के बाद नमस्कार सभी जयगम मिरर्स के जुड़े हुए मेरे सभी साथियों मैं आप को नमस्कार करता हूं जैसा कि आप लोग को मालूम है बीते 19 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ तो आप सबों को मालूम है कि इलेक्शन का समय में मतलब वोट लेने के लिए आदमी बहुत दूर स्तर तक आदमी को झूठ भी बोलता है झूठा आश्वासन भी देता है तो टीएमसी का कुछ लीडर्स यानी कि मैं बोलूँगा अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पार्टी का तरफ से आदमी को इतना झूठ बोलेगा ये मेरे को मतलब आशा नहीं था लेकिन ये लोग झूठ बोलने का इनका आदत है मेरे को मालूम है तो मैं बोलना चाहता हूँ के और से कि पिछले जब 16 को 21 को जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो हमारे इस कालसिनी विधानसभा के क्षेत्र में निमती एक एक ग्राउंड है वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद आई थी तो उन्होंने बोला कि मैं आने वाला पाँच साल का बीच में ये मेथ समाज और बोडो एक ही है तो मैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचूंगा लेकिन अभी पाँच साल होने के लिए जा रहा है लेकिन आज तक कभी भी मेध समाज हो चाहे बोडो समाज हो इनका बारे में कोई एक अच्छा सोचने का हम लोग ने देखा नहीं और इस बार भी वही इस जाति को राजनीति का एक शिकार बनाने के लिए उन्होंने और एक फंदा एक डाला है उन्होंने बोला है कि मैं अभिषेक बनर्जी आप लोगों को मेज और बोडो समाज का एक बोर्ड बना दूंगा ताकि जितने भी आप लोग हैं इस पूरा अलीपुर द्वार क्षेत्र हो चाहे दार्जिलिंग क्षेत्र हो या जलपाईगुड़ी क्षेत्र हो इसमें रहने वाले जितने भी मेच और मेज समाज के लोग आप लोग वोट को टीएमसी को दीजिए ताकि आप लोग को आप लोग का मेज बोर्ड समाज मिले इस तरह का झूठा अफवाह फैलाकर उन्होंने क्या किया है एक पार्टी का लेटर पैड में उन्होंने लिख के दिया है कि मैं इसको देखूंगा तो ऐतिहासिक जो विषय है क्या है मतलब उन लोगों का तो कहना है कि ये हिस्टोरिकल डे है आज जितने मम्मी पापा हमारे साथ सिलीगुड़ी जा रहे हैं अभिषेक जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि हम भी थे क्या लगता है आपको वो लोग तो कहते हैं उन लोगों को मिल चुका है डेवलपमेंट बोर्ड और ये भी कह रहे हैं ये ऐतिहासिक यानी उनके कहने के अनुसार जो बाकी जो बोडो संप्रदाय हैं आप लोग हम लोग यानी हमारे वो सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा नहीं जाएगा देखिए भाई एक मैं आपको ये चैनल का मार्फत में बोलना चाहता हूँ अगर कोई भी जाति को बोर्ड मिलता है ना तो उसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन नवानों से हो चाहे राइटर से हो उसको आपके हाथ में कुछ आ, पेपर है आपके हाथ में जो पेपर है हमने ऑफ कैमरा भी देखा है इस पेपर को ये नवान् से आया हुआ है ये भैया बताएंगे क्या है शॉर्ट में 2013 में डुअर्स को डेवलपमेंट करने के लिए एक डुअर्स टास्क फोर्स तैयार किया गया था उसके लिए भी एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था क्या ये आपको पार्टी के थ्रू दिया गया था या ये पार्टी का इसमें कुछ वैल्यू नहीं है इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ये राज्य सरकार का तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आपका इस बोर्ड में क्या क्या होगा क्या क्या डेवलपमेंट नहीं होगा उसका बारे में और कौन कौन इस कमेटी में रहेगा इस तरह का एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाता है ये नोटिफिकेशन ये कोई लेटर पेड पार्टी का लेटर पेड में नहीं है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसको जारी करके बोला है कि इस डुअर्स रीजन में जहां जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस जगह में काम करने के लिए और हुआ भी बहुत सारा जगह में हम लोगों का ट्राइबल एरिया में जहाँ पर नदी ट्राइबल लोगों का जमीन का जो भूस् भुष्क, भूस्खलन हो रहा था उस सब में आ, बोल्डर सोसेस का काम वगैरह हुआ पानी का काम हुआ ऐसा बहुत सारा जगह में काम हुआ तो इसी तरह ये जो बोडो बोर्ड या मैच बोर्ड जो देंगे इसी तरह इसमें नोटिफिकेशन होना चाहिए तब हम लोग जाके विश्वास कर सकते हैं कि आने वाला दिन में जिस प्रकार तामांग बोर्ड मिला है जिस प्रकार लेप्चा बोर्ड मिला है जिस प्रकार कामी बोर्ड मिला है इसी तरह उनका ये एक नोटिफिकेशन गैजेट के द्वारा मालूम होता है कि आप ये बोर्ड का डेवलपमेंट होगा अच्छा एक छोटा सा सवाल आपको पूछते हैं आप अगर किसी संप्रदाय के नाम पे किसी संप्रदाय के नाम पे एक संगठन बनाते हैं मान लीजिए बोडो संगठन या बेंगोली संगठन या बिहारी संगठन और ये संगठन जाति के बेस आप जब संगठन बनाते हैं संगठन बनाने के बाद आखिर में आप किसी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं तो जो बाहरी लोग हैं जो उस जाति के नहीं हैं वो लोग क्या सोचेंगे अरे इस बार तो पूरा बोडो टीएमसी के साथ है या तो अरे इस बार तो पूरा बोडो समाज बीजेपी के साथ है या किसी भी अन्य पार्टी के साथ है क्या ये सही है कोई जाति का संगठन बना के पॉलिटिक्स ज्वाइन करना देखिए मैं ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमारा बोडो टी में वोट दे रहा है या बीजेपी को वोट दे रहा है या इंडिपेंडेंट को वोट दे रहा है ये मैं नहीं बोलूंगा ये जनता का मामला है भाई जनता यदि चाहेगा कि मैं बीजेपी को वोट देना चाहता हूं तो वो बीजेपी को देगा तो ये लोग तो दबाव दे के बोल रहे हैं हम लोगों को बोर्डो डेवलपमेंट बोर्ड मिल गया अब आलिपुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट का तो हम लोग हर एक बोर्डो दे चुके हैं अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वोट चल रहा है तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का भी जितना बोर्डो है रहते हैं वो लोग भी मतलब टीएमसी को मतलब वोट करेंगे ये उनका गलत है ये लोग सोच रहे हैं कि पूरा हमारा पश्चिम बंगाल का या अलीपुर द्वार का जो बड़ो लोग टीएमसी को देंगे या बीजेपी को देंगे या इंडिपेंडेंट को देंगे ये सबका अपना अपना अंदरूनी मामला है अगर कोई जनता बीजेपी को वोट देना चाहता है वो बीजेपी को देगा कोई इंडिपेंडेंट को देना चाहेगा वो इंडिपेंडेंट को देगा को को अगर कोई टीएमसी को देना चाहता है तो उसमें भी कोई मतलब रोक टोक का कोई बात नहीं है जहां पर जनता चाहेगा जो पार्टी डेवलपमेंट कर रहा है उसको देखेगा और उसमें वोट देगा ये नहीं कि वोट दे दूंगा ये कोई पार्टी का लेटर लेटरपेड में झूठा आश्वासन देके के यदि वो लोग सर्कुलेट करेगा कि आज से जितना भी बोडो लोग है ये टीएमसी का खरीदा हुआ ये जनता को कभी भी खरीद नहीं सकता है ये लोग तो ये लोग तो वैसे ही बोल रहे हैं कि आ, मतलब हम लोगों को मिल चुका है इतने सालों तक जगह पे नहीं पहुंचा था अच्छा ये चीज आपको मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग तो पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं क्या अन्य बोडो संप्रदाय के जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं बोडो साहित्य सभा ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं क्या बोडो साहित्य सभा इस विषय में सरकार के साथ बामफ्रंट के सरकार के समय से ही ये डिमांड कर रहा था ये बोडो साहित्य सभा बोलिए बोडो में समाज बोलिए हर साल जब इलेक्शन आता है तभी ये लोग ये पार्टी को देना है या उस पार्टी को देना इस तरह का एक भ्रम ये लोग फैलाता है मैं... ये लोग इस बार एक्सट्रीमली ये लोग पार्टी का कुछ मतलब गिने चुने कुछ मतलब वो क्या वो कोन्नाश्री वो जो भाता मिलता है महिलाओं को हजार पांच सौ रुपए उन सब चीजों का प्रचार करने के लिए निकले हैं ये बोडो संप्रदाय के जो लीडर हैं क्या करना चाहिए आप एक बोडो समाज को नेतृत्व कर रहे हैं बोडो दुलाराई समाज तो आपको बोर्डों के लिए नेतृत्व करना चाहिए वहाँ पे आप टीएमसी के हो या बीजेपी के हो किसी के भी हो उन लोगों का भलाई को उन लोगों का अच्छाई को आप क्यों प्रचार करेंगे क्यों कहेंगे कि हमारा महिलाएं मतलब हजार रुपया मिल रहा है छः हजार करके मिल रहा है ये मिल रहा है वो मिल रहा है ये तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उसको आ, देखने से आपको पता चलेगा उसका इंटरव्यू उसका वीडियो देखने से पता चलेगा वो पूरा अपने आप को समर्पण कर चुका है टीएमसी के आ, पार्टी पे ये करना चाहिए उनको एक बोडो संप्रदाय के नेता होने के आ, मतलब आ, होने आ, होने के आ, क्या बोलते हैं उसको आ, होते हुए देखिए 19 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ ये तो हम लोग का जनमत कैद हो चुका है बॉक्स में इसका फैसला चार जून को जो मिलने वाला है उसी दिन उन लोग को मालूम होगा कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं किसके लिए प्रचार कर है पैसा के लिए प्रचार कर रहा है या कि क्या के लिए प्रचार कर रहा है आप सबको मालूम हो जाएगा चार अप्रैल चार जून को जब बॉक्स खुलेगा तो इन लोग का जो दौड़ है और इन लोग का जो मतलब इलेक्शन का समय तो मेन पैसा का ही तो खेल होता है तो ये चार जून को जब बॉक्स खुलेगा तो ये लोग को जो अभिषेक बनर्जी ने जो लेटर लिख के जो उनको बोला है कि इनका बोर्ड मिलेगा ये चार चार जून से उसको मालूम हो जाएगा कि चार जन्म में भी ये लोग मिलने वाला नहीं है अच्छा तो आ, ये जो कांड इसको तो हम कांड ही बोलेंगे ये जो उन लोगों ने कांड किया है इसके बाद मान लीजिए 26 में 26 में अगर राज्य सरकार नहीं रहे अगर नहीं रहे उसमें बीजेपी आ गए या कांग्रेस जो भी हो मतलब जो भी पार्टी आ, मतलब राज्य में आए तो बोडो जो लीडर है उन लोग किस मुंह से उस नया पार्टी को जाके अप्रोच करेगा अरे भाई साहब हमारा बोडो लोगों का डिमांड है 25 साल से हमें आप आ, हमारा डिमांड पूरा कीजिए वो सामने से तो कहेगा अरे भाई साहब आपका लीडर लोग तो पिछले बार टीएमसी को सपोर्ट किया था लोकसभा में आप लोग तो पूरा टीएमसी है क्या हम लोग कैसे आप लोगों को अचानक से दे देंगे ये तो कहेगा और जो लीडर लोग जाएगा मांगने के लिए उन लोग किस नाक को लेके किस मुंह से अभी तो मतलब वो कर रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में जब दूसरा सरकार आएगा क्या उस लोगों को साहस होगा दूसरा सरकार के पास जाके मतलब मांगने के लिए मैंने तो आपको बोल ही दिया है कि चार जून को जब बॉक्स खुलेगा ना तो उस दिन मालूम होगा कि हमारा जो हजार पॉपुलेशन वाला जो बोडो और मेच कम्युनिटी का वोट वो टीएमसी का बॉक्स में ढूंढ के भी नहीं मिलेगा उन लोगों को कि आने वाला दिन में जो बोडो मेच वोट मांगने का जो सपना है वो चार जून को ही खत्म उसके बाद में ना वो लोग ममता बनर्जी का आंचल को देखेगा ना अभिषेक बनर्जी का इनका हवाई जहाज का पंखा भी देखेगा अच्छा, हाँ 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 और एक मुद्दा अभिषेक बनर्जी तो मिनिस्टर है ना मिनिस्टर ऐसे ही तो उनका कहना है कि हमारा शक्तिशाली नेता मिनिस्टर अभिषेक जी को धन्यवाद देने के लिए हम सिलीगुड़ी जा रहे हैं क्या वो मिनिस्टर है क्या उनको अधिकार है एक मतलब राज्य के बारे में राज्य के ऐसे किसी डिमांड को वो फुलफिल कर सकता है मैंने उन लोग का वीडियो फुटेज को देखा वो लोग जिस तरह अपना प्रचार सोशल मीडिया का तरफ से जो वो लोग कर रहा है तो मैं उस वीडियो में देखा कि उन्होंने बोला है कि हमारा मंत्री अभिषेक बनर्जी और न रहा है और उसके बाद में उसका लेटर पेड क्या में है पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का तौर से उन्होंने वहाँ पर जो सर्कुलेट किया है तो ये जो हमारा कुछ बोडो भाई लोग मेज भाई लोग जो पार्टी का नाम में वोट मांगने का दलाली जो कर रहा है इन लोग को मालूम ही नहीं है कौन सीएम है कौन मंत्री है कौन नेता है इन लोग को कुछ मालूम नहीं है इन लोग को सिर्फ इलेक्शन का समय में कुछ पैसा के लिए इन लोगों को खरीदा बेचा जा रहा है इसको मालूम ही नहीं है तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा मंत्री अभिषेक बनर्जी ने एक लेटर में लिख के दिया है तो आप लोग पूछिए ना वो क्या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है गेजेट नोटिफिकेशन है या आपका लेटर पेड में पार्टी का लेटर पैड में है पार्टी का लेटर पेड का दौर सिर्फ इलेक्शन का ही जिस दिन काउंटिंग होगा उसी दिन सिर्फ उसी दिन तक का सिर्फ है चार जून में जब बॉक्स खुलेगा तो वो लेटर वो कुछ भी वैल्यू नहीं है उसका जैसे आप एक वर्ड इस्तेमाल किए दलाली ये दिख भी रहा है उनमें क्योंकि जिस तरह से मरमिट के वो लोग टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं बोडो समाज का बोडो संप्रदाय का नाक काट रहा है आ, मतलब आज तक बोडो समाज इस तरह से गिरा नहीं है गिरा नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के आगे कि आ, नाक रगड़ते हुए कि हम महाशय हम पूरा बोडो संप्रदाय आपको वोट करेंगे आप हमारा मांग पूरा कीजिए लेकिन ये दो चार लोग इस तरह से किए हुए हैं आने वाला जो हमारा बोडो संप्रदाय का जो मांगना है डिमांड है ये रास्ता ये रास्ता अपने जेब के कारण आप बोल सकते हैं अपने मतलब अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में आप बोल सकते हैं इसके कारण वो लोग न्यौछावर कर मतलब बोडो लोगों का जो डिमांड है आने वाले दिनों में क्योंकि एसटी बेल्ट है ये तो ऐसे ऐसे एरिया है जहां पे बोडो लोग अभी भी झुग्गी झोझोपड़ियों जो, में रहते हैं ऐसे ऐसे बहुत घर हैं बोडो लोगों का डेवलपमेंट पहुंचा नहीं है और तेरह साल से ये सरकार है अंदरूनी डेवलपमेंट हुआ नहीं है आप अगर बगान एरिया में जाएंगे तो आने वाले दिनों में आप लोग जब मांगेंगे बोडो लोगों के लिए बोडो लोगों का उन्नति के लिए तो आप लोगों को तो दुविधा होगा दादा मतलब दुविधा होगा मतलब इन लोगों का जो कारनामा है इस कारनामाओं के कारण तो आप लोगों को समस्या झेलना पड़ेगा मैं बोडो मेज एक जनजाति का मतलब प्रतिनिधि मैंने दो तीन बार विधायक बन के मैं कर चुका हूँ मतलब बोडो लोग और मेज समाज लोग का जो राजनीति का बैकग्राउंड है वो मैंने अच्छी तरह से पढ़ चुका है कि इनका इलेक्शन का समय में जो नखड़ा इलेक्शन का समय में जो ये लोग नाटक करता है ना ये एक देखने लायक एक सिनारी है हमारा जो बोडो का लीडर्स लोग मैं एक बार टीएमसी से खड़ा हुआ था विधायक के लिए तो इन लोगों ने क्या किया मालूम है इंडिपेंडेंट को इन लोगों ने साथ देने का अनाउंसमेंट किया बोला हमारा इस बार जितना भी बोडो मेच समाज ये लोग इंडिपेंडेंट को समर्थन करेंगे हालांकि तो उस समय उस समय भी तो ये लोग कर सकता था टीएमसी को अभी कर रहे हैं मतलब जब आखिर आ रहा है आखिरी हो रहा है उसका समय 26 तक मतलब तो उस समय आपको भी तो कर सकता था मैं वही बात आप लोग को बोलना चाहता हूं आप लोग जो बोडो मेच समाज के जो नेता लोग हैं आप लोग बुरा मत मानिएगा आप लोग का पॉलिटिकल करने का जो स्तर है या कुछ आपका रणनीति है ना आप लोग उल्टा पानी में चलते हो उल्टा नदी में आप लोग मतलब बहने का कोशिश करते हो जैसे आप पूर्व उत्तर से यदि नदी बह रहा है तो आप पस्थी। उसी पश्चिम मतलब दूसरा मतलब उसी भाव में आप लोग उल्टा चढ़ना चाहते हो इसीलिए मैं आप लोग एक सजेशन देना चाहता हूं आप लोग पहले ध्यान से आप लोग स्टडी कीजिए बोडो बोडोमेज समाज और आप लोग को जो बोडो लोग का जो उन्नयन के लिए पहले जो लोग दिग्गज मतलब जो लोग परिपक्व लोग हैं उनके साथ में थोड़ा सलाह लीजिए और उसके बाद में जब आप लोग का वोट आएगा तो कौन सा पार्टी को समर्थन करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा आप लोग सीखिए आप लोग ये नहीं कि कुछ पैसा के लिए आप लोग बिक्री मत हो जाइए आप लोग क्या है कि थोड़ा पैसा अगर यदि टीएमसी देगा तो आप लोग टीएमसी का तरफ चला जाते हो इंडिपेंडेंट भी यदि आप लोग को बोलेगा कि इस बार मेरे को साथ दीजिए मैं आप लोग को इतना रुपया दूंगा तो ये बोडो मेस समाज का जो मेरा भाई लोग है आप लोग वही पैसा में बिकने का परिस्थिति में आप लोग आ जाते हो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग पहले थोड़ा ध्यान कीजिए आप लोग थोड़ा सीखिए उसके बाद में आप लोग राजनीति करने के लिए उतरिए ताकि हमारा जो साधारण जो बोडो मेस समाज का जो जनजाति लोग है उन लोग भ्रम में ना पड़े कि हम लोग किधर जाए जाए तो कहां जाए किसको समर्थन करें आज मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट दीजिए टीएमसी को वोट दीजिए या इंडिपेंडेंट अगर आप चाहते हो ना तो इंडिपेंडेंट में आपका बोडो में समाज का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है आप लोग उसको साथ दीजिए ना और अपना यूनिटी को आप लोग परिचय दीजिए कि हाँ हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल में कितना डेढ़ लाख समथिंग आप लोग का वोट है तो आलिपुर द्वार में कितना सारा बोडो लोग है आप लोग उस इंडिपेंडेंट को आप लोग साथ दीजिए तब आप लोग का जाके थोड़ा सा जो दो रुपया का भी वैल्यू होगा ना तो उसमें मालूम होगा कि हाँ भाई कि बोडो समाज यहाँ पर इतना पॉपुलेशन है इनका वोट से भी कुछ फैक्टर हो सकता है तब जाके कल का दिन में आपको कोई भी पार्टी का आदमी आपको वेल्यू देगा नहीं तो आप लोग जिस तरह चल रहे हो ना आप लोगों को पाँच रुपया का भी कोई वैल्यू नहीं देना आने वाला दिन में यानी आप सीधी तौर पे उन लोगों को सलाह दे रहे हैं राजनीति सीखें पहले सीखें उसके बाद राजनीति पे उतरे नहीं तो ये बहुत बड़ा रिस्क ये रिस्क क्यों मैं बोल रहा हूं दादा मैं आपको ये सवाल भी पूछूंगा रिस्क बहुत ही बड़ा दिख रहा है मुझको तो क्योंकि मैं फ्यूचर को भी थोड़ा बहुत तो देख चुका हूँ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है क्योंकि आसाम गवर्नमेंट जो है बीजेपी सरकार है और बी टी जो है बीजेपी के साथ अलायंस है अपना गवर्नमेंट बनाया है बीटीसी तो कुछ अमाउंट बोडो लोगों का भाषा सीखने के लिए बोडो लोगों के आ, यूथ लोगों को थोड़ा बहुत ऑनरियम मिले स्कूल में पढ़ाने के लिए यानी छोटा मोटा जो अमाउंट है वो आता है आसाम से यानी पैसा आता है आसाम से हमारे यहाँ बोडो लोगों को एजुकेट करने के लिए मान लीजिए इन लोगों का रवैया इन लोगों का दलालीपन अगर आसाम पहुंच जाए आसाम अगर पहुंच जाए बंगाल से तो हमें कोई मदद नहीं मिलता है हमारे कम्युनिटी को अगर आसाम से जो मिलता है आसाम में चला जाए वो न्यूज़ और आने वाले दिनों में आसाम बीटीसी वाले सोचे ये बंगाल को हम लोग क्या मदद कर रहे हैं ये लोग तो हमसे लेते हैं हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं क्या आने वाले दिनों में हमारे बोडो समाज के लोग आसाम से मदद हम लोग पाएंगे इस तरह के लोगों के पीछे जब हम लोग चलेंगे जो लोग आज आ, लोग जा रहे हैं उस लोग उन आ, लोगों के पीछे पीछे आने वाले दिनों में क्या उन लोग मदद मिलेगा आसाम से वही तो आपको बोलना चाह रहा हूं कि हमारा पश्चिम बंगाल में जितना भी बोडो मेध समाज लोग हैं यानी कि जो नेता जो लोग जनता को एक बड़ा सा गड्ढा में धकेलने का जो काम कर रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पहले हमारा पश्चिम बंगाल का जो पार्टी का रणनीति को उसको आप लोग सीखिए पहले आप लोग को कोई यूज ना करे थोड़ा सा पैसा दे के आप लोगों को मतलब जाति को बेचने का काम ना करे क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि बोडो समुदाय का मेन फाइनेंसर आसाम है फिलहाल तो वही दिख रहा है आसाम से कुछ फंड आता है और वही फंड से कुछ गरीब गरीब जो इलाका हमारा कालचिनी हो चाहे मादारी हो चाहे नागराकाटा हो चाहे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो चाहे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो उसमें कुछ अपना अपना जो बोडो समाज का जो बच्चे लोग हैं वहाँ पर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट मतलब कोई भी स्कूल में एक सब्जेक्ट तौर से पढ़ाने का जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो आसाम से अभी प्रोवाइड किया जा रहा है आज यदि आसाम का लोगों को मालूम चलेगा ना तो एक बहुत बड़ा शर्म का भी बात होगा कि हमारा यहाँ का जनता को जो फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है लेकिन ये लोग इस पैसा को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ये खबर उनको मिलेगा तो शायद हमारा पश्चिम बंगाल का जो पढ़ा जो यहाँ का स्टूडेंट्स लोग जो है और यहाँ का जो जिसको पढ़ाने के लिए कुछ सैलरी दिया जाता है वो भी यदि बंद हो जाएगा तो हमारा पश्चिम बंगाल का जो बड़ो लोग के लिए बहुत बड़ा क्षति हो सकता है लेकिन इन लोग को मालूम नहीं है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं अभी अभी जो सपोर्ट कर रहा है वो लोग बीजेपी का फुल वो तो दिखता ही है आ, वो आ, आ, बीजेपी का है सपोर्टेड है और यहाँ पर वो लोग उल्टा काम कर रहे हैं ये यह लोग यहाँ पर टीएमसी का नाम में सभी के लिए वोट मांग रहा है तो आप सोचिए ये बात अगर देने वाला का पास पहुंचेगा तो क्या बीतेगा उनका ऊपर में तो आ, उन परिवारों का जो लोगों को ओनरिया मिलता है उन लोगों का तो समस्या आगे है ही इन लोगों के कारनामा के कारण अः समस्या तो आएगा आने वाले दिनों में जब पता चलेगा ये लोग ऐसा कर रहा है तो समस्या तो आएगा तो इन लोगों को ये भी करना चाहिए था कि जो ओनरियम मिलता है आसाम से आसाम को बोल देना चाहिए था कि बीटीसी सरकार साहब हमें आपका मदद नहीं चाहिए हमें वेस्ट बंगाल से मिल ही रहा है क्या वो लोग किए हैं शायद नहीं किए हैं आसाम गवर्नमेंट को आज तक शायद ये नहीं बोले हैं तो सुनिए ना अभी ये इलेक्शन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में भी 26 तारीख को खत्म हो जाएगा और हमारा अलीपुर द्वार जलपाईगुड़ी में कुछ बेहर में तो ख़त्म हो चुका है अभी ये सारा चुनाव का झमेला ख़त्म करने के बाद में आसाम का कुछ लोग यहाँ पर आने का बात चल रहा है ये इलेक्शन में इन लोगों ने क्या रवैया किया है मतलब क्या मतलब इनका भूमिका रहा है ये सब के बारे में वो लोग को छानबीन करने के लिए आएगा और उन सबको मालूम हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में मेज समाज को क्या मतलब राजनीति में मतलब क्या भूमिका है वो सब उन लोग ने रिपोर्ट ले चुका है अभी वो लोग आएंगे आके वो लोग देखेंगे देखने के बाद में ये लोग पश्चिम बंगाल से आज तक क्या मिला बोडो समाज को क्या मिला ये सब भी उन लोग को मालूम है आज आज आसाम का जितना भी बड़े बड़े दिग्गज जो नेता लोग हैं उनका साथ में हम लोग का बीच बीच में आना जाना उनका साथ में बातचीत होता है तो ये बड़ा दुख की बात है कि हमारा जो बोडो साहित्य सभा बोलिए या बोडो दुलाराय मेस समाज बोलिए ये लोग का जो रवैया को देखे उन उनका दिल में मतलब तसल्ली नहीं है वो लोग चाह रहे कि एक बार फुल एंड फाइनल बैठे बैठने के बाद में पश्चिम बंगाल का जितना भी बोडो मेस समाज लोग है इनका साथ में मतलब बैठक करने के बाद में इन लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा ये हम लोग को दिखाई दे रहा है यानी समस्या आने वाले दिनों में हो चुका है शुरू इन लोगों ने शुरू कर चुका है अपने आप को बेच के खुद तो बच जाएंगे लेकिन समाज डूब जाएगा ये दिख रहा है आने वाले दिनों में क्योंकि डूबेगा क्यों क्योंकि डूबने ही का काम किया है इन लोगों ने डूबाने का ही काम किया है समाज को तो आ, क्या समाज को आप मैसेज देना चाहते हैं बोडो समाज को कि आ, इस तरह के ढीला आदमी हम तो कहेंगे क्योंकि हम बोडो हैं बोडो का खून मेरा अंदर में दौड़ रहा है मैं रिपोर्टर हूं लेकिन एक अंदर तो बोडो हूं और एस टी भी हूं तो आ, हमको तो लग रहा है दादा ये लोग तो बिक गया है और जो लोग बिक गया है उनको आप क्या कहेंगे वो लोग तो आ, समाज का तहज नहज करके चला गया आने वाले दिनों में तो बहुत ही समस्या हमारे सामने हमारे सन्मुख में आ, दिख रहा है तो आ, अल्टीमेटली क्या मैसेज देंगे आप सिलीगुड़ी के बोडो सिलीगुड़ी के बोडो यानी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो बोडो लोग हैं कल वोट है उनका उनके बहकावे पे वो लोग तो भरका रहे हैं वो लोग तो बोल रहे हैं अलीपुर में तो हम पूरा बोडो लोग जितवा चुके हैं टीएमसी को अभी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का काम है आप क्या कहेंगे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने बोडो हैं मैं ये चुनावी माहौल का समय में मैं यही बात बोलना चाहता हूँ आप जितना भी मिरर्स के तरफ से देखने वाले हमारे में समाज के जितने भी जनतागण है मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप बीजेपी को वोट दें या टीएमसी को वोट दें या इंडिपेंडेंट को वोट दें ये आपका मत आपका अधिकार है लोकतंत्र में आप ही लोग का ही बोलबाला है आप जिसको देना चाहेंगे वोट वहीं पर जाएगा मैं आप लोग को ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप टीएमसी को ना दे बीजेपी को ना दे या मतलब इंडिपेंडेंट को ना दे आप लोग एक बार बैठिए ध्यान से सोचिएगा कि आने वाला दिन में हम लोग का समाज को आगे बढ़ा के ले जाने वाला कौन कौन सा पार्टी हम लोग के लिए खड़ा रहेगा उसको आप लोग ध्यान से सोचिए क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा बोर्ड देखा है जो बोर्ड मिलने के बाद में भी आज क्यों जनता पार्टी के पीछे चल रहा है क्यों उन लोग का एक ही डिमांड है जैसा गोरखाओं का डिमांड है गोरखालैंड आज उनको गोरखालैंड का नाम करके कितना साल तक थोड़े कटने से अच्छा होगा ना चल ना चल तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सोचिए और वोट आप लोग ऐसा जगह में दीजिए ताकि आपका भविष्य को कल कोई खराब ना कर सके यानी आप आ... मतलब बोल रहे हैं अपना अधिकार को समझे आप लोगों को क्या मिला तेरह साल से ये सरकार है तेरह साल से कर सकता था बोडो डेवलपमेंट बोर्ड लेकिन ये भोट जो राज्य का वोट है ही नहीं ये तो सेंट्रल का वोट है ममता जी को तो प्रधानमंत्री बनने का कोई मौका भी नहीं है फिर भी एक्सट्रीम लेवल में जाके ये लोग इस तरह से इस तरह का कांड करेगा ये तो समाज अपेक्षा नहीं किया था लेकिन उन्होंने किया चलो मान लेते हैं अपने ही बोडो समाज के लोग हैं लेकिन बोडो समाज के लोगों को यही मैसेज रहेगा विल्सन चंप्रोमारी जी जो तीन बार के दिग्गज यहाँ पे एम रह चुके हैं उस समय पे सिक्का उनका चलता था अभी भी चलता है बस अभी थोड़ा बहुत रेस्ट लिए हुए हैं आने वाले दिनों में दहारेगा वो दहार जरूर समाज सुन पाएगा क्या कहते हैं आप आप आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में क्या सोच रहे हैं देखिए पॉलिटिक्स मैं विल्सन चंप्रमारी आप लोगों ने तीन तीन बार एम जो जिताने के बाद में मेरे को समाज का सेवा करने के लिए जो मौका दिया विल्सन चंप्रमारी कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा अभी मैं राजनीति कर रहा हूँ ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ सो बात नहीं है लेकिन मैं अभी समाज सेवा के साथ ही राजनीति कर रहा हूँ मैं उतना एक्टिवली मैं काम नहीं कर रहा हूँ आने वाला दिन में पार्टी यदि चाहेगा तो और काम करेंगे तो ये है विषय दोस्तों क्या बोलेंगे बहुत ही दुख का विषय है हमारे समाज में हमारे समाज को ही डुबाने वाले अभी शुरू हो चुके हैं लेकिन हमारे समाज में बहुत ही कम लोग आवाज उठाते हैं इसे विरोध करते हैं आ, लेकिन क्या करेंगे जो लोग हैं हम हम आवाज़ उठा रहे हैं आने वाले दिनों में आपका साथ चाहिए ऐसे लोगों को आप लोग उखाड़ के फेंक दीजिए क्योंकि उखाड़ने का लायक का काम उन्होंने किया है समाज को जाति को बेचने का काम किया है कृपया जितने दर्शक देख रहे हैं बोडो और नॉन बोडो अगर आप नॉन बोडो हैं तो बोडो लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाने का कृपया करें और जो बोडो लोग देख रहे हैं तो बोडो लोगों को भी यही रिक्वेस्ट रहेगा हर एक बोडो तक इस विषय को पहुंचाए एलर्ट करे इस तरह के बिकाऊ नेता बिकाऊ नेता के पीछे ना पड़े आने वाले दिनों में अपना हक को समझे अपना जो अधिकार को समझे जो नहीं मिला है उसको समझे और अपना वोट को डाले आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स नेल्सन बसुमाता के साथ और हमारे साथ थे दिग्गज तीन बार रह चुके एमएलए विल्सन चौंप्रोमारी जी आपको धन्यवाद देते हैं नमस्कार